कि उत्तर प्रदेश में तो बड़ा गुंडागर्दी है, वहां उद्योग लगाएंगे तो रंगदारी देनी पड़ेगी। आज वो सब बंद हो चुका। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बलिया की बात करूंगा, मैं उत्तर प्रदेश का छोड़ देता हूं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, महाराज जी ने, कि जो हम लोग का कमिश्नरी, इसमें करीब 12,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और बलिया में, सिर्फ बलिया में 3,000 करोड़ का निवेश होगा जो पूर्वांचल एक्सप्रेस के बदले। तो हम लोग तो चाहते हैं हमारे बच्चे यहीं रहें। हमारे तो, मुझे याद है जब मैं सदन में गया था, आप लोगों ने जब मुझे भेजा था, तो मैं जाता था तो हमारे दक्षिण प्रदेश के, दक्षिण में जो प्रदेश हैं उनसे लड़ाई होती थी कि उत्तर प्रदेश तो बीमारू प्रदेश है, हम लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं और हम लोग को पैसा कम मिलता है, उत्तर प्रदेश को ज़्यादा पैसा मिलता है और आप लोग कुछ काम नहीं करते। ये परिवर्तन था पहले, जो हम लोग लड़ते थे दक्षिण वालों से और अपनी लड़ाई हम लोग उत्तर प्रदेश, मैंने कहा उत्तर प्रदेश ने ही देश चलाया है, उत्तर प्रदेश ने ही प्रधानमंत्री दिए हैं, ये बात हम लोग हमेशा लड़ते थे। लेकिन एक चीज में हम लोग पीछे रह जाते थे कि उद्योग क्यों नहीं आते यहाँ पर, यहाँ पर निवेश क्यों नहीं होता है, यहाँ पर सड़कें ठीक क्यों नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो ये सारा परिवर्तन हुआ है और इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाना, वो उत्तर प्रदेश आए, यहाँ से सांसद बने और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली उन्होंने। आज उत्तर प्रदेश पूरे दुनिया में जाना जाता है, अयोध्या के बाद, काशी के बाद और उसके भी अलग व्यापारियों के कारण। आज जितना निवेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है, देश के किसी प्रदेश में नहीं हो जा रहा। महाराष्ट्र कहते थे, गुजरात कहते थे, गुजरात से ज्यादा लोग यहाँ पर आए और यहाँ ज्यादा निवेश कर रहे हैं, उस तमिलनाडु से ज्यादा निवेश कर रहे हैं। ये परिवर्तन है, इसीलिए उत्तर प्रदेश के आज स्थापना दिवस 74 साल हुए और मैं मानता हूं कि जब आज से 3-4 साल बाद हम लोग स्थापना दिवस मना रहे होंगे तो और भी तस्वीर बदली हुई होगी। तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं आग्रह करूंगा आप लोग से, अभी सांसद जी बोलेंगे, आप लोग बैठे रहे, फिर से एक बार जोरदार नारा हो जाए।